एक स्कूल में बच्चे फेल हुए तो बच्चों ने स्कूल के मास्टर जी, क्लर्क और चपरासी को पेड़ से बांध कर पीटा। प्रैक्टिकल में कम नंबर मिलने पर फेल हुए छात्रों ने पहला शिक्षक, क्लर्क और चपरासी को पेड़ से बांधा और फिर की पिटाई। ये तस्वीर एक स्कूल की है जहां के बच्चे अपने ही स्कूल के शिक्षक, क्लर्क और चपरासी को एक पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की। आरोप है कि स्कूल के छात्रों को प्रैक्टिकल में कम नंबर देकर उन्हें फेल कर दिया गया। प्रैक्टिकल में कम नंबर मिलने की वजह से फेल हुए सैकड़ों आक्रोशित बच्चों ने पहला शिक्षक, क्लर्क और चपरासी को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया, फिर उनकी पिटाई की। इस पूरे वाकये को बच्चों ने अपने कैमरे में कैद कर इसका वीडियो भी वायरल कर दिया। सबसे पहले ये पूरा वीडियो देखिए। गोपी कांदर का सर ऐसे कर रहा है, वायरल करना है हमको वीडियो। क्या क्या है? वायरल करना है हमको वीडियो। यही लोग मिला हुआ था। लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, पूरा पब्लिक को दिखाओ, पूरा देश दुनिया को दिखाओ। 10 लड़का फेल, 10 लड़का फेल हुआ है यहाँ से, 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव, पूरा प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है, प्रैक्टिकल के चलते। ये लोग सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हाँ, ये होगा, ये किए हैं हम लोग, जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है। हाँ, भुगतना होगा जो करेगा, वो भुगतेगा। ये मामला झारखंड के दुमका जिले का है, जहां के एक स्कूल में शिक्षक द्वारा प्रैक्टिकल एग्जाम में कम नंबर दिए जाने पर सैकड़ों बच्चे फेल हो गए, जिसके बाद बच्चों ने स्कूल में जमकर तोड़फोड़ किया और स्कूल के शिक्षक, क्लर्क और चपरासी को बंधक बनाकर एक पेड़ से बांधकर उनकी पिटाई की। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जिले के बड़े अधिकारी हरकत में आए और इस पूरे मामले की जांच में जुट गए। पहाड़िया आवासीय विद्यालय में शिक्षक और छात्रों के बीच कुछ गतिरोध का मामला प्रकाश में आया था और उस गतिरोध के सूचना पर प्रशासन की टीम यहां पहुंची थी, जिसमें कुछ अन्य मुद्दे भी उभर कर सामने आए और ये आवश्यक प्रतीत हुआ कि जो छात्रावास है उसमें एक बार लोगों से बात की जाए, बच्चों से बात की जाए। और इसी दौरान जांच के क्रम में कुछ बच्चों के पास से मोबाइल वगैरह बरामद हुआ है, तो उस मोबाइल को हम लोग अभी अपनी अभिरक्षा में रखे हुए हैं ताकि इनके अभिभावकों को उसे सुपुर्द किया जा सके, इस हिदायत के साथ कि बच्चों को यहाँ पर मोबाइल नहीं उपलब्ध कराएं। मारपीट की बात सामने आई थी सर, क्या है उसमें? हम लोग जब आए उस समय तक ऐसी कोई बात नहीं थी, इसके पहले छात्रों और शिक्षकों के बीच में कुछ गतिरोध की बात आई थी सामने, तो उस गतिरोध के निदान के लिए ही हम यहाँ पहुँचे हुए थे। बच्चों का आरोप है कि स्कूल के शिक्षक ने जानबूझकर उन्हें प्रैक्टिकल में कम नंबर दिए, जिसकी वजह से वो फेल हो गए। हालांकि इन आरोपों में कितना दम है ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन जिस तरह से एक स्कूल के शिक्षक, क्लर्क और चपरासी को बच्चों द्वारा पेड़ से बांधकर पीटने की ये घटना सामने आई है, वो ना सिर्फ इलाके में चर्चा का विषय है बल्कि एक बड़ी गड़बड़ी की ओर भी इशारा करती है। न्यूज़ लाइव डेस्क, पटना।